Hello friends, we purchased this laptop from Amazon and this is HP laptop. This brand is called HP and the series is HP 245 and we are now going to unbox. This is invoice. Okay guys, down with it. ये कुछ डिटेल हैं शिपिंग की. तो फ्रेंड्स, हम अनबॉक्स कर चुके हैं एच पी का मॉडल 245 लैपटॉप. सबसे पहले बता दें ये 4GB इसकी रैम है और 1TB इसकी इंटरनल हार्ड ड्राइव है. 4GB इसकी SSD रैम है. बाकी अब आपको और स्पेसिफिकेशन हम थोड़ी देर में देते हैं. जैसे हम आपको दिखा दें ये इसकी पावर कॉर्ड है. ये लैपटॉप पावर एडॉप्टर. इसे हम साइड रख लेते हैं. अभी हम इसे ऑन भी करेंगे. ये इसके सेफ्टी के लिए लगाए गए रबर. ये सेफ्टी से हमारे पास तक अपनी डेस्टिनेशन पे सेफ्टी से पहुंच जाए. दिस लुक वेरी स्लीम, वेरी स्लीक. Friends, it's clear, really very slim. Look. आप गेस करें कितने इंच का लैपटॉप है. हमें कैरी करने में आप बाहर जाते हैं आउटडोर यूज करते हैं तो ये है 14 इंच का. फ्रेंड्स 14 इंच का है ये लैपटॉप. और ये देखें कीपैड की प्रोटेक्शन के लिए है. सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इसका लुक. अब इसके फीचर बताएं आपको. ये जो मॉडल है HP का ये नोटबुक कहलाता है और 14 इंच की इसकी स्क्रीन साइज़ है जो हमें ऐसे मेजर कर हम ऐसे करते हैं इसको मेज़र 14 इंच का. इसका जो मैक्सिमम डिस्प्ले है वो अच्छा डिस्प्ले है. इसका मैक्सिमम डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है वो 1366x768 पिक्सल्स पे ये वर्क कर सकता है जिसका हाइस्ट पिक्सल रेजोल्यूशन है. और इसका अप्रॉक्स इस लैपटॉप का जो वेट है वो है 1.85 kg. और फ्रेंड इसमें जो बैटरी है बैक साइड, इसमें जो बैटरी है आप देखिए, इसमें आप बैटरी डिटैच नहीं कर सकते. डिटैचेबल बैटरी नहीं है, बैटरी इनबिल्ट है. और बैटरी है लिथियम पॉलीमर बैटरी, इनबिल्ट बैटरी है. जो प्रीवियस लैपटॉप आते थे उनमें आप बैटरी डिटैच कर सकते थे, इसमें इनबिल्ट बैटरी है क्योंकि इसको इतना कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है. अब आते हैं इसके प्रोसेसर पे. इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो है AMD का. जो प्रोसेसर टाइप है वो है A6 और जिसकी क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर की है वो है 1.80 GHz. इसमें जो प्रोसेसर काउंट है वो 2 प्रोसेसर काउंट हैं. फ्रेंड्स इसमें हम आपको बताएं इसमें जो ग्राफिक्स है वो रेडियन का R4 ग्राफिक्स यूज़ हुआ है. 1MB कैश है इसमें. इसका जो प्रोसेसर है इसमें 1MB कैश है एंड 2-कोर प्रोसेसर है. जब हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि इसमें जो प्रोसेसर काउंट है वो 2 है, डेट्स कॉल्ड 2-कोर. और 1TB की हार्ड डिस्क है, 4GB रैम है. फ्रेंड्स इसकी जो कीपैड है ये स्पीकर्स दे रखे हैं. यहाँ पे स्पीकर्स हैं. दिस होल बिलोंग्स टू स्पीकर ताकि साउंड आउटपुट हमें अच्छी मिल सके. और
ये टच पैड है, सेंटर पे नहीं है, हल्का सा जो है हल्का सा लेफ्ट साइड है, इधर स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मिलता है, आप देखेंगे यूएसबी जैक है और ये एसडी कार्ड स्लॉट है। यहाँ पे हम एसडी कार्ड स्लॉट यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे बैक में इसके बॉर्डर पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इसके लेफ्ट इसके राइट साइड आप देखेंगे ईयरफोन जैक है, आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं 3.5 mm जैक, दो यूएसबी है, मींस इसमें दो यूएसबी आपको राइट साइड है, एक यूएसबी आपको लेफ्ट साइड है, तो तीन यूएसबी पोर्ट है। ओके 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 गैस, ये जो दो पोर्ट है, नंबर ऑफ यूएसबी पोर्ट जो इधर दो हैं, ये यूएसबी 3.0 सपोर्ट करते हैं, और ये जो है दिस वन, ये यूएसबी 2.0 सपोर्ट कर रहा है। तो एक यूएसबी 2.0 पोर्ट है और दो पोर्ट यहाँ पे यूएसबी 3.0 है, जो हाई स्पीड फास्टर डाटा ट्रांसफर करने के काम आता है, जो फास्ट है यूएसबी 2.0 से। ये है एचडीएमआई स्लॉट, एचडीएमआई स्लॉट आपने इसको कनेक्ट कर सकते हैं टीवी से और किसी भी गैजेट से, और यहाँ पे आप नेटवर्किंग केबल, लैन केबल, लैन कॉर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये है पावर एडाप्टर पिन, जहाँ पे आप इसको चार्ज करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे इसका जैसे नॉर्मल कैमरा होता है, ये कैमरा आपको मिलेगा इसमें, तो फुल इसे कहेंगे आप मल्टीमीडिया का यूज़ इसमें कर सकते हैं। इसमें आप वीडियो चैट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल जो एप्लीकेशन है सोशल मीडिया की, स्काइप है और व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉम्पैक्ट बनाने के पीछे का जो रीज़न था कि ताकि आप इसको आउटडोर यूज़ करें बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इसी वजह से आपको इसमें जो सीडी ड्राइव का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। आप यहाँ देख लीजिए, देयर इज़ नो सीडी ड्राइव हेयर। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको दिखाना कि आप ये ना सोचे इसके साथ सीडी ड्राइव भी आपको जो है इसके साथ दी जा रही है, ताकि आप सीडीज या डीवीडीज भी आप इसमें डिस्क यूज़ कर सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सो इसमें आपको जो इंस्टॉलेशन भी होगा वो पेन ड्राइव के थ्रू होगा, इसमें जो ओएस होगा जो आपको इसमें इंस्टॉल करना होगा वो भी आपको पेन ड्राइव के थ्रू ही इंस्टॉल करना होगा। और ये जो है ये इसका सिक्योरिटी केबल स्लॉट के लिए फीचर है, सिक्योरिटी केबल स्लॉट, और इसको कॉम्पैक्ट बनाया गया हुआ है, तो आपको इसमें अलग से न्यूमेरिक कीपैड नहीं मिलेंगे जो राइट साइड होते हैं। न्यूमेरिक आपको नंबर्स के लिए आपको इन्हीं कीज़ को, जो प्राइमरी कीज़ हैं, इनको यूज़ करना होगा। देखिए ये एसडी कार्ड स्लॉट दिख रहा है, इसके बगल में जो इंडिकेटर है जो लाइट का, ये हार्ड डिस्क ड्राइव का है, और उसके बाद आपको और राइट साइड जो मिल रहा है जो पावर बटन का इंडिकेशन है, दैट्स इट। और फ्रेंड्स मुझे जहाँ तक लगता है इसमें डॉस है, ऑन करके देखते हैं आपके सामने। इसमें हमें विंडोज, मतलब इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं मिला है, इसमें हमें इंस्टॉल कराना होगा। डिस्चार्ज है नहीं, ऑन हो गया, फ्री डॉस। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री डॉस, मीन्स इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। इसमें जो स्पीकर हैं फ्रेंड्स, ये स्टीरियो स्पीकर्स हैं, और इसमें अब हम आप देख रहे हैं ये सिर्फ डॉस इंस्टॉल है, सी रूट पे आ गया है। अगर हम यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं, लिस्ट डायरेक्टरी की लिस्ट कर दें, इंटर, वेयर इज इंटर, इंटर दिस, देखिए। तो फ्रेंड्स हमें इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और जो एप्लीकेशन हमें चाहिए आपको जो यूज़ करनी है प्रोफेशनल एप्लीकेशंस, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद हम बताएंगे आपको कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, मतलब इस फ्लॉलेस था, स्मूथ था, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या, मल्टी टास्किंग थी, एक साथ अगर हम कई ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ अगर कई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं इस पर, उसके बाद फिर हम जज कर पाएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मल्टी टास्किंग में कैसा है। सो फ्रेंड्स इसमें हमने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है थ्रू यूएसबी ड्राइव, हमने राइट साइड से प्लग इन की है, क्योंकि यूएसबी 3.0 है। और अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कंट्री कोड,
तो फ्रेंड्स ये छोटा सा लैपटॉप हमारा HP का मॉडल 245 कैसा लगा आपको इसका अनबॉक्स हमें ज़रूर बताइए। और रहे इसके ये फीचर्स जो इसको पावर चार्ज करने के वो सिंपल हैं, हमें इसमें कनेक्ट करना होगा और चार्ज करना होगा। तो हमारा ये HP का लैपटॉप की अनबॉक्सिंग हमें आपको कैसे लगी फ्रेंड्स हमें आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।